एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। एक और वीडियो में अपने चैनल के आप सभी का स्वागत करता हूं। रेगुलर स्पीकिंग से रिलेटेड जो ऐसे सेंटेंस जिनको हम रेगुलर बोलते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, लेकिन हिचकिचाते हैं कि नहीं इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें, या जब ज़रूरत पड़ जाती है तो हम सोचते हैं अब इसकी इंग्लिश को हम कैसे बोलेंगे। तो मैंने इसको नाम दिया है वन डे इन माई लाइफ। वो इसलिए कि अभी मैं किसी से बातचीत कर रहा था तो एक घंटे के दौरान मैंने वो सेंटेंसेस जिनको मैंने यूज़ किया मैंने उसी को इसमें इंक्लूड किया है। तो आइए उन सेंटेंसेस पे चलते हैं बिना किसी देरी के। एंड एक और चीज़ आपसे बार बार मैं कहता हूँ कि इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, ट्राई कीजिए, बोलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। एंड जब भी ज़रूरत पड़े, जिसे आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ के यूज तो होंगे, उस चीज़ के आदि हो जाएंगे, यानी आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आवश्यकता पड़ने पे। जब आपको नीड होती तो नहीं याद आता, लेकिन जब आप इसको बार बार यूज़ करेंगे, बोलेंगे दोस्तों के साथ, खुद से बोलेंगे, फैमिली में बोलेंगे, आप उस चीज़ के यूज तो हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने उस सेंटेंस पे। लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही चीज़ आपसे कहना चाहेंगे। बार बार कहते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो और उसमें दिए गए सेंटेंस अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। एक और चीज़, अगर आपका कोई सेंटेंस या कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंग्लिश एंड कंप्यूटर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम ट्राइंग टू कम द नेक्स्ट वीडियो विथ योर सेंटेंस और योर क्वेरीज। आपकी जो भी क्वेरीज है उसको नेक्स्ट सेंटेंस या जो भी होते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। तो पहला हमारा है, ये तुम्हारा वहम है। वहम जिसे हम कह सकते हैं तुम्हारी गलत फहमी है या वहम है। तो इट्स योर इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स होता है कि जिसको दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, इट्स कॉल्ड इल्यूजन। तो हम इसको ये कह सकते हैं, ये तुम्हारा वहम है, यानी इट्स योर इल्यूजन। कहना आसान है, इट्स ईजी टू से। जब हमें ये कहना होता ये तो कहना बहुत ही आसान है, इट्स ईजी टू से, लेकिन करना मुश्किल, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू। आप इसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो वर्ड जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर वो इन्फ्लुएंट आएगा, यानी जो जिसे हम कह सकते हैं, हम एक नया पर्सन जब कोई उसी वर्ड को बोलता है और एक पुराना पर्सन जो बोलता है, दोनों बहुत अंतर होता है। तो आप बार बार यूज़ कीजिए, जिसे आप जब भी बोलें, ऐसा नहीं कि आपको याद है तो बार बार बोलें, क्यों नहीं बोलेंगे तो एकदम जब भी बोलेंगे एज अ न्यू पर्सन, आप जो सामने रहेगा वो यही सोचेगा कि ये बंदा भी नया है जो कि ये वर्ड बोल रहा है या ये सेंटेंस बोल रहा है। लेकिन जब आप उसको बार बार यूज़ कर चुके होंगे तो जब भी आप उसको बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा, नहीं दिस इज़ नॉट अ न्यू, ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है और इसे इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज है। तो आप बार बार इस चीज़ को यूज़ करें। तो अगला है, लेकिन करना मुश्किल, वर्ड इट्स अ डिफ़िकल्ट टू डू। नेक्स्ट टाइम, मैं हल्का बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अब यहाँ पे वेदर का मीन्स यहाँ मौसम मत समझिएगा, सेंस चेंज हो जाता है। तो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं हल्का बीमार महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, कितना बदल गए तुम, ऐसा बोलते ना, कितने बदल गए हो ना तुम। सो हाउ चेंज्ड यू आर, कितना बदल गए हो ना तुम। तो हाउ चेंज्ड यू आर। नेक्स्ट है, उसने मुझे दुखी कर दिया। ही और शी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ही यानी जब भी किसी मेल पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, एंड शी जब हम किसी फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, किसी लेडी के लिए यूज़ करेंगे। तो शी सैडन मी, उसने मुझे दुखी कर दिया। आप सी की जगह अपने जिसे भी कहना हो ही या सी यूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, वह मेरे दाईं ओर है। मैंने यहाँ पे भी शी ही यूज़ किया है। सी इज़ राइट टू मी, यानी वह मेरे दाईं ओर है। अब सी की जगह आप यहाँ भी ही यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है, ये मेरी ख्वाहिश है। इट्स माई विल। विल की जगह आप विश भी यूज़ कर सकते, बट आई सजेस्ट, मैं आपको कहूँगा कि आप विल यूज़ कीजिए। इट्स माई विल, ये मेरी ख्वाहिश है या ये मेरी जिसे कहते हैं कि मनोकामना है, ऐसी चीज़ें। तो इट्स माई विल। नेक्स्ट है, अंधेरा हो गया है। इट्स गॉट डार्क। शायद आपको विजिबिलिटी क्लियर हो रही होगी। अंधेरा हो गया, इट्स गॉट डार्क। एंड इसी के साथ जो नेक्स्ट है, आलू छील दो।
पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छीलना, लाइक पोटैटो हो गया या बहुत सारी वेजिटेबल्स हो गए, तो छीलना का मतलब होता है पील ऑफ, यानी उसका छिलका निकालना। तो पील ऑफ द पोटैटोज, छिलका निकालना यानी आलू छील दो। गैस जली रहने दो, कीप द गैस ऑन। आप इसकी जगह कोई भी वर्ड ले सकते हैं गैस की जगह, लाइक कुछ भी, आग जल्दी रहने दो, तो कीप द गैस ऑन या कीप द लाइट ऑन, कीप द फैन ऑन, तो इस तरह से कोई चीज़ रहने दो, यानी कीप द गैस ऑन। नेक्स्ट, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, इसको जब आप अच्छे से प्रोनंसिएट करते तो आपका वो जो प्रोनंसिएशन निकल के आता है वो बहुत ही अच्छा होता है जब बार बार उस चीज़ को आप यूज़ करते हैं, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है, उसे इंतज़ार करने को कहो, टेल हर टू वेट। यहाँ पे हर या हिम दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। हर यानी अगर कोई लेडीज़ से कहना है तो आप कह सकते हैं टेल हर टू वेट, यानी उससे कहो कि इंतज़ार करे। अगर उसी जगह पे कोई मेल पर्सन है, कोई मेल है, तो उसकी जगह पे हर की जगह हिम होगा, टेल हिम टू वेट। लेकिन हिंदी में एक ही चीज़ कहेंगे, उसे इंतज़ार करने को कहो, टेल हर टू वेट। नेक्स्ट है, उसे या मुझे घूरना बंद करो, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूरना बंद करो। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, आई रिकोगनाइज हर वॉइस, आई रिकोगनाइज हर वॉइस, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। कम से कम एक बार तो सोचो, थिंक एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो सोचो, थिंक एट लीस्ट वंस। पूछो, क्या पूछना है? आस्क व्हाट यू वांट टू, आस्क व्हाट यू वांट टू, पूछो क्या पूछना है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ गाइस, ये जो भी चीज़ें, जो भी सेंटेंस, जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, तो इसका सही बेनिफिट आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, बहुत खुश हो रहा है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। मैं सॉरी कहने आई थी, आई केम टू से सॉरी, जैसे कि मैं माफ़ी मांगने आई थी या मैं माफ़ी मांगने आया था, तो उस सेंस में आई केम टू से सॉरी। मुझे भी ऐसा लगता है, आई ऑल्सो थिंक सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई ऑल्सो थिंक सो। केवल सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क, सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क। मुझे तुमसे बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, लुक देखो, मुझे मेरे पास तुमको समझाने का टाइम नहीं है, लुक आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मुझे तुम्हें समझाने का समय नहीं है। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, There is a no need to pretend. Pretend का मतलब होता है शो ऑफ करना या दिखावा करना, जब किसी चीज़ को हम इंटरनली या एक्चुअली वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन हम उस चीज़ को दिखावे के तौर पे कुछ कहते हैं, तो वहाँ पे शो ऑफ भी कह सकते हैं या pretend भी कह सकते हैं, यानी दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है, There is a no need to pretend. देखो, दिमाग खराब मत करो मेरा, Look, don't spoil my mind. Don't spoil my mind. अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, नाउ देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट फॉर मी, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते, सही है, सम ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन आपके सपने पूरे होंगे और आप ही उसे पूरा करोगे, तो अपने सपनों के लिए लगे रहिए। मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, यानी जिसे हम कह सकते हैं कभी कभी
हमें कहीं निकलना होता है या कुछ काम होता है इन टाइम, लेकिन हम समय को ध्यान में नहीं रखते और समय ज़्यादा हो जाता तो हम उस सेंस में, ये मैंने लिखा है, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। अब फैसला आपके हाथों में है, यानी नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। यहाँ पे इन द हैंड नहीं होगा, एक्चुअली ये थोड़ा सा फ्रेज है, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, जो बॉल है वो आपके कोर्ट में, यानी जो फैसला है वो आपके हाथों में है। जी चाहता है तुझे जान से मार दूँ, गुस्सा हो जाइए ना तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि जान से मार दें, बट हाँ ठीक है, सेंटेंस है, आई फील लाइक किलिंग यू। जी कहता है तुमको जान से मार दूँ, या मन कहता है तुम्हें जान से मार दूँ। मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा, आई विल डू वॉट एवर आई फील, मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा, यानी किसी दूसरे के अंडर में नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूँगा। ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ, आई मीन क्लाउड नाइन, या आई मीन नाइन क्लाउड, और इसी को एक और वर्ड होता है, आई मीन द सेवंथ इवन, सातवें आसमान में हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ को आई मीन क्लाउड नाइन भी सिंपल वर्ड आप बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ सिंपल बट अच्छा है, ट्रेंड में है, नया वर्ड है, आई मीन क्लाउड नाइन मैं बहुत खुश हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।